आयुष्मान भवा अभियान में एक दिन में प्रदेश में 5,72,000 आयुष्मान कार्ड को बनाया गया। योजना के तहत लाभार्थी परिवार को एक वर्ष में 5,00,000 तक के उपचार की है मुफ्त सुविधा। यूपीएसआरटीसी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा 8 राज्य एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का किया जा रहा है संचालन। प्रदेश परिवहन निगम को अगस्त 2023 में 1,02,38,00,000 से ज्यादा रुपए की हुई आय। प्रदेश में नई स्कीम के जरिए डाटा सेंटर परियोजना को मिलेगी गति। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नई स्कीम के जरिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में रिक्त प्लॉट्स के लिए शुरू किए आवेदन। योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, प्रदेश के 100% गांवों को मिला ODF प्लस का दर्जा। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत पेश की स्वच्छता की मिसाल। देश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, नहीं देना होगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खर्च। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय 900 से 1,350 रुपए प्रति मीटर देगा अनुदान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल के दिसंबर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाएगा गड्ढा मुक्त। योजना को सफल बनाने के लिए युवा इंजीनियरों को की ली जाएगी मदद। और ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी रहेगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल सर्वे रोकने की मांग के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। राजधानी लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जल्द ही शुरू होगा हृदय प्रत्यारोपण। संस्थान की CVPS विभाग ने मरीजों की स्क्रीनिंग शुरू की। ब्रेन डेड मरीजों का हृदय किया जाएगा प्रत्योपित, तैयारियां पूरी। और प्रदेश में 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। अभियान के तहत प्रतिदिन की जाएगी निगरानी, लापरवाही बरतने वालों पर गिरेगी काज। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय ने पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। नवगठित कार्यकारिणी में प्रदेश में 12 उपाध्यक्ष, 30 महासचिव, 30 प्रदेश सचिव के अलावा 31 सदस्यों को किया गया शामिल। दुग्ध आयुक्त ने बताया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत प्रगतिशील पशुपालकों को किया जाएगा पुरस्कृत। 10,000 से 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि की जाएगी प्रदान। श्रावस्ती, बलिया, बलरामपुर, उन्नाव, कौशाम्बी, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, महोबा, लखनऊ, बदायूं और सुल्तानपुर की कुल 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होगा अपडेशन। स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा कायाकल्प। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान मैनपुरी में हुआ हादसा, 3 युवकों की डूबने से मौत। मार्केडे आश्रम विधुना में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुंड में 4 युवक डूबे जिसमें से 3 युवकों की हुई मौत। और राजधानी लखनऊ में डेंगू का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुरुवार को 40 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 75 से अधिक मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। जनवरी से अब तक कुल 600 मरीज मिल चुके हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना में को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे उत्तर प्रदेश ने इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में विभिन्न श्रेणियों 10 पुरस्कार हासिल किए। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट राज्य श्रेणी में 3रा स्थान हासिल हुआ। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ओम बिरला यादव ने दिया इस्तीफा। युवा कांग्रेस के संगठनिक युवा चुनाव का किया विरोध, कहा लोकसभा चुनाव के समय संगठन के चुनाव गलत। राजधानी लखनऊ में PGI के निकट निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 12 लोग घायल, 2 लोगों की मौत। घायलों का किया जा रहा है उपचार, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। खेलो इंडिया और मोटो जीपी भारत के बाद प्रदेश में नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का किया जाएगा आयोजन। नोएडा के इंडोर स्टेडियम में 5 से 8 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी प्रतियोगिता। और वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुई आर अश्विनी की एंट्री, चोटिल अक्षर पटेल की जगह किया गया शामिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में अश्विन ने किया था शानदार प्रदर्शन। एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने अपने पुल मैच में जापान को 4-2 से हराया। भारत ने अपनी लगातार 3री जीत दर्ज की। मैच में भारत की तरफ से अभिषेक ने 2 जबकि अमित और मनदीप सिंह ने 1-1 गोल दागे।